ग्रुप थ्री और फोर हम नेचुरल फार्मिंग के पॉजिटिव में बोल रहे हैं और ग्रुप वन और थ्री अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो हम पॉजिटिव वाले हैं ग्रुप फोर। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि नेचुरल फार्मिंग हमें नीड क्यों है प्रेजेंट में। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने कुछ पॉइंट मिनिमम कुछ पॉइंट ही कवर किए हैं। अगर नेचुरल फार्मिंग की इंपॉर्टेंस देखें तो अनगिनत पॉइंट हैं, लेकिन हमने कुछ मिनिमम पॉइंट ही ले रखे हैं। जैसे कि पहला फार्मर की इनकम से रिलेटेड, दूसरा हमने लिख रखा ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, तीसरा हमने एनवायरमेंट पे फोकस किया है, चौथा हमारा है सॉयल, पांचवा हमारा फ्यूचर इम्पैक्ट कि नेचुरल फार्मिंग की वजह से इन सारे पॉइंट्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एनवायरमेंट पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो अभी हमारी जो एग्रीकल्चर चल रही है, केमिकल का भर भर के इस्तेमाल होता है, उससे हमारे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हर कोई जानता है। तो अगर हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल ही जीरो है, बायोडाइवर्सिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। नेचुरल फार्मिंग से हमें पता है हमारे सॉयल में कार्बन बढ़ रहा है और केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी हमारे सॉयल में भी इंक्रीज हो रही है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रही है। हमें पता है कि केमिकल से कितनी सारी बर्ड डेथ हो जा रही है, सॉयल में केचुए मर जा रहे हैं क्योंकि इतना सॉल्ट हो गया, इतना केमिकल हो गया है, क्योंकि अंदर का जो लिक्विड होता है वो ब्रस्ट कर जाता है और हमारे सॉयल में तो केचुए पाए ही नहीं जाते। हमारे सॉयल की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, उनका टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है कार्बन की वजह से, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो माइक्रोपोर से मैक्रोपोर होते हैं वो टेक्सचर इंप्रूव होने की वजह से वो अच्छे होते जा रहे हैं, मीन्स माइक्रोपोर और मैक्रोपोर बढ़ते जा रहे हैं, तो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी उनकी बढ़ती जा रही है, वाटर कंजर्वेशन उसी हिसाब से हमारा इंक्रीज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही कम हो रहा है क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, केमिकल का स्प्रे नहीं हो रहा है। केमिकल के स्प्रे से बहुत सारे केमिकल ऐसे ड्रिफ्ट बन के हवा में उड़ जाते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान कर रहे हैं, हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है। और केमिकल का जब हम स्प्रे करेंगे तो फैक्ट्री बनाएगी तो जो फैक्ट्री है उससे जो पॉल्यूशन निकलता है पूरे एयर को पॉल्यूट करता है वो हम सब जानते हैं। लाइव स्टॉक की हेल्थ इंप्रूव हो रही है क्योंकि हम केमिकल खा रहे हैं, घास मतलब जब स्प्रे करते हैं तो जो हमारी उनके जो चारा है उसमें भी तो केमिकल आ रहा है, वो खा रहे हैं तो जो दूध आ रहा है वो भी केमिकल वाला ही हो रहा है। तो अगर वो लाइव स्टॉक से डिजीज़ भी आ रही है केमिकल की वजह से, तो अगर हम जब नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो हमारा लाइव स्टॉक भी वही खाएगा नेचुरल चीज़, तो दूध भी अच्छा मिलेगा, उसका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। दूसरा देखिए ह्यूमन की हेल्थ की, तो वो सभी पता है कि जो हम ऑर्गेनिक खाना खाएंगे या केमिकल फ्री हम खाना खाएंगे तो उससे हमारा टेस्ट कितना बढ़िया आता है। जो केमिकल वाला खाना उसका टेस्ट अगर देख लें और इसका टेस्ट देख लें तो बहुत ही डिफरेंस होता है। मैं अपनी पर्सनल एक बात बताना चाहती हूँ, मैं होटल में रहती हूँ, मैंने एक बार सब्जी लेके आई, वो लौकी मैं आज लेके आई, मैंने रख दिया रात में और वो अपने आप फट गई। मैं रात में आवाज़ आई, मैं अचानक से उड़ गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि फटा क्या। फिर सुबह उठ गई तो स्लैब पे पूरा पानी सा फैला था, मैं उस पानी के सहारे जाके देखी तो लौकी ऐसे फटी हुई थी और बीच में बिल्कुल काली थी। मुझे समझ में नहीं आया वो केमिकल की वजह से है पर क्या है, पर है ना है तो केमिकल का ही ये इफेक्ट है। डिजीजेस डिक्रीज हो रही है, हमें पता है कि इतने सारे केमिकल खा के पैरालिसिस हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, डिजीजेस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचने के लिए लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और ये हो गया ह्यूमन हेल्थ में। अब आ जाते हैं हम सॉयल पे। सॉयल में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे अच्छा इफेक्ट तो सॉयल पे ही पड़ रहा है। धीरे धीरे सॉयल डिग्रेड हो रही है, इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से जो सॉयल में जो केमिकल में हमारे वो हैं सॉल्ट वगैरह हैं वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं। अगर अर्थ के अगर हम चाहें कि अपनी उंगली डाल के अर्थ को ऐसे नीचे मतलब अर्थ के नीचे उंगली डाल दें तो नहीं जा रही क्योंकि इतनी क्रस्ट हो चुकी है, इतनी हार्ड हो चुकी है, वो सब केमिकल की वजह से ही है, नीचे को बिल्कुल ही हार्ड हो रखी है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में गोबर की खाद ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे सॉइल का हेल्थ इम्प्रूव होगा, टेक्सचर इम्प्रूव होगा, तो फर्टिलिटी उसकी अच्छी होगी, टेक्सचर इम्प्रूव होगा, मैंने बता दिया, कार्बन भी इंक्रीज होंगे, कार्बन इंक्रीज होगा तो माइक्रोब भी इंक्रीज होंगे, एनिमल इंक्रीज होंगे, तो सॉइल की बायोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी क्योंकि ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए कार्बन ही चाहिए। हमें पता है कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो सही रहता है तो माइक्रोब्स बढ़ते हैं, तो कार्बन बढ़ेगा तो सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, इरोजन कम होगा। अगर इरोजन होता है जब हमारे अर्थ एकदम क्रस्टी हो जाती है तो हवा आती है पानी आती है सीधे बहा के लेके चली जाती है, अगर सॉइल में टेक्सचर अच्छा रहेगा तो वो इरोजन कम होगा, बायोलॉजिकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे दूसरे ग्रुप मेंबर